टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एलिमेंट दिए हुए हैं और इसमें आर जो रिलेशन दिया हुआ है आर आर रिलेशन है ए बी इज सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन ये रिलेशन दिया हुआ है बी इक्वल टू ए प्लस वन और यह कहता है इसमें कि यह स्वतुल्य सम्मित या संक्रमक है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज दिखानी है तो ठीक है अगर हम इसमें कोई एलिमेंट ए बी है ये, बी की जगह पर ए ले लें तो ए ए, रखो क्या ए इक्वल टू तो ए प्लस वन है बी को भी ए रखो ऐसा तो, तो होता ही नहीं है कोई भी एलिमेंट अपने उसमें एक जोड़ने के बाद उसके इक्वल हो ऐसा तो संभव ही नहीं है तो लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग टू आर ठीक है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और रिलेशन दिया हुआ है बीवल टू ए प्लस वन तो अगर हम बी की जगह ए को रिप्लेस करते हैं बी की जगह यहाँ पे ए रखो तो क्या ए एक प्लस वन के इक्वल होता है नहीं होता तो ए A, A इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू आर तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव अच्छा अगर ये ले लें कि ए बी कोई एलिमेंट है वो अगर आर का एलिमेंट है इस रिलेशन सेट में है ए बी तो इसका मतलब क्या होता है बी इक्वल टू ए प्लस वन तो क्या ए इक्वल टू बी प्लस वन के होता है अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो क्या बी ए ए इक्वल टू बी प्लस वन के होता ही नहीं है देखो इसमें तो कह रहे थे हम बी इक्वल टू ए प्लस वन है पहले वाले में तो और इसमें क्या है ए इक्वल टू बी प्लस वन कैसा संभव है ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है ना तो इसका मतलब है बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर तो इट इज नॉट सिमेट्रिक ठीक है ना ये सिमेट्रिक नहीं है सममित नहीं है हिंदी में सममित बोलते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक चलो आगे चलते हैं फिर इसमें इसी तरीके से ए बी अगर आर का एलिमेंट है यानी कि बी इक्वल टू ए प्लस वन के है फिर इसी तरीके से बी सी अगर आर का एलिमेंट है यानी कि सी इक्वल टू बी प्लस वन के है तो क्या देखो बी इक्वल टू ए प्लस वन बी की वैल्यू यहां रखो तो सी इक्वल टू क्या निकल कर आए ये ए प्लस वन और प्लस वन तो ए प्लस टू के गए तो निकल के जब क्या आना चाहिए था ए प्लस वन तो इसका मतलब है अगर ए बी आर का एलिमेंट है बी सी आर का एलिमेंट है तो ए सी तो बीच में से बी हट जाता है ना तो ए सी नॉट बिलोंग टू आर तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव तो ये ट्रांजिटिव नहीं है इस तरीके से तुम्हें ये करना है ठीक है आर में दिया हुआ है आर इक्वल टू इसमें जो डिफाइन किया हुआ है ये है ए बी सच देट ए लेस टू बी ए लेस इक्वल टू बी दिया हुआ है तो इसमें हमें ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन सममित नहीं है ठीक है अब देखो इसमें ए की जगह यहाँ पे बी की जगह ए रखो तो ए ए देखो अगर यहाँ ए की जगह ए रखते हैं तो ए लेस देन इक्वल टू तो इक्वल आ रहा है, है ना भाई ए इक्वल तो आ ही रहा है अगर सिर्फ लेस देन होता तो नहीं होता लेकिन इक्वल में आ रहा है इक्वल तो कम से कम है ही तो ए ए बिलोंग्स टू आर ए ए जो है वो आर का एलिमेंट आ रहा है इसमें ठीक है तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव ये स्वतुल्य है चलो अब देखो ए ए अगर हम ये कहें ए बी इसका एलिमेंट है यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी ठीक है ए लेस देन इक्वल टू बी के है तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए के होगा नहीं होता अगर जैसे कहें हम कि टू और थ्री ले लिया हमने टू थ्री से छोटा है लेकिन थ्री तो टू से छोटा नहीं होता तो इसका उल्टा जो है संभव नहीं है तो ए बी अगर हम कहें कि ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए जो है वो आर का एलिमेंट नहीं होगा ठीक है ना डज नॉट बिलोंग टू आर तो नॉट सिमेट्रिक ठीक है ये सिमेट्रिक नहीं होगा चलो आगे चलते हैं इसमें हो गया ए बी अगर हम ये कहें कि ए बी इसका एलिमेंट है यानी कि ए बी एलिमेंट होने का मतलब है कि इज लेस देन इक्वल टू बी फिर बी सी ए बी बिलोंग टू आर लिखें फिर बी सी लिखें बी सी अगर आर का एलिमेंट है बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि बी लेस इक्वल टू सी अब देखो ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा तो होगा ही जैसे हम टू थ्री और थ्री, थ्री, थ्री फोर ले ले टू थ्री से छोटा है थ्री फोर से छोटा है तो टू तो, तो फोर से छोटा होगा तो इस तरह से हम बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी लेस ए सी बिलोंग्स टू आर तो ये कैसा होगा इट इज ट्रांजिटिव ठीक है तो ये ट्रांजिटिव होगा ये हमें दिखाना है तो देखो इसमें तो अगर हम ए यहां पे बी की जगह ए ही रख लें तो ए ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा क्या होता है ये नहीं होता बताओ ठीक है तो इसे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू आर तो नॉट रिफ्लेक्सिव चलो अगर हम लिखें ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो क्या बी आर बी ए होगा ठीक है ये नहीं होगा है तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा फिर अगर हम ये कहें कि ए बी अगर आर का एलिमेंट है और बी सी अगर आर का एलिमेंट है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब और बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब तो क्या वो से छोटा होगा होगा भाई ए देखो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के है और बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब के है ठीक तो है तो, 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 तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब तो होगा ठीक है तो इट इज ट्रांजिटिव बस ये ही हो रहा है और नहीं हो रहा इसमें कोई भी देखो बी की जगह ए रखो ना यहाँ बी की जगह पे ए रखो तो क्या होगा तो सिमेट्रिक भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है तो ठीक है ये जो है ना ट्रा, नोट ट्रांजिट होगा क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता ना तो इट इज नॉट इस वजह से नहीं हो रहा बस इक्वल का साइन आने से इट इज नॉट ट्रांजिटिव ये सेट दिया हुआ है वन टू थ्री और सेट वन टू थ्री में ये कहता है कि आर जो रिलेशन है आर सेट के अंदर वन टू और टू वन है वन टू और टू वन एलिमेंट है यह सम्मित है किंतु न तो और न संक्रामक है ये सम्मित देखो वन टू है वन टू इसका एलिमेंट है अगर आर का तो टू वन भी इसका एलिमेंट है ठीक है तो यह सम्मित तो हो रहा है ठीक है ना सिमेट्रिक तो है अच्छा अब अगर हम इसको लें भाई इसमें होना चाहिए था टू टू वो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये नॉट रिफ्लेक्सिव ठीक है ट्रांजिटिव की बात करें अगर वन टू इसके अंदर है और टू थ्री अगर टू थ्री तो इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट बन नहीं रहा या अगर वन टू और टू वन है मान ले चलो इसके अकॉर्डिंग भी ले लें वन टू और टू वन है तो फिर टू बीच में से हटा के यानी कि वन वन इसके अंदर होना चाहिए तो वो भी नहीं है वन वन भी नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है ठीक है ना ये ट्रांजिटिव भी नहीं है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्च ए में आर आर जो रिलेशन सेट इसने बना के दिया हुआ है ये है एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है एक्स एक तो बुक एक्स है और दूसरी वाई है और इनमें जो है पेजेस की संख्या इक्वल है अब देखो इसमें हमें दिखाने है सारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हैं या नहीं है अच्छा हम अगर एक्स वाई है एक्स की जगह पे एक्स ही ले लें दोनों बुक सेम है अगर ठीक है तो अगर दोनों बुक सेम है तो दोनों में पेजों की संख्या तो इक्वल होगी ठीक है अब दोनों में पेजों की इक्वल संख्या होगी तो इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर के होगा ठीक है तो ये रिफ्लेक्सिव है ठीक है ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि पेजों की संख्या दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो इक्वल है अच्छा अगर हम ये कहें कि दो बुक हैं एक्स वाई अलग अलग अगर उनमें पेजों की संख्या इक्वल है तो वाई एक्स में भी तो पेजों की संख्या इक्वल होगी कि नहीं होगी अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है ठीक है अच्छा अगर फिर हम इसमें वो लें कि अगर मान लिया एक्स वाई दो बुक हैं और उन दोनों में एक्स वाई बुक है और एक्स वाई में पेजों की संख्या इक्वल है फिर वाई जेड लें और वाई में और जेड में पेजों की संख्या इक्वल है तो अगर एक्स वाई में इक्वल है वाई जेड में इक्वल है तो वाई को बीच से हटाओ तो एक्स जेड में भी तो इक्वल ही होगी ठीक है ना तो एक्स जेड में भी इक्वल होगी यानी कि वो भी आर का एलिमेंट होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये ट्रांजिटिव भी है इट इज ट्रांजिटिव तो इसमें सारी चीज आ रही है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब सारी चीज आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा तुल्यता संबंध है इट इज एन इक्वलेंस रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है तुल्यता संबंध ये होता है इसका मीनिंग इक्वलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध है ये में दिया हुआ है कि ए जो सेट है उसमें तो वन टू थ्री फोर फाइव है एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव और आर में है जो इसने आर डिफाइन किया हुआ है ए बी इज सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है ठीक है ये इस तरह के एलिमेंट को लेता है और ये सिद्ध करवा रहा है कि तुल्यता संबंध है तो ठीक है और बाकी का बाद में पढ़ेंगे पहले से देख लो तो तुल्यता संबंध के लिए मतलब सारी चीज दिखानी है तो देखो अगर इसमें ए ए ले लें एलिमेंट ए ए बी की जगह भी अगर ए ले लें ए माइनस ए क्या होगा जीरो और जीरो क्या होता है सम संख्या है ये तो करता है इवन नंबर बचता है वो तो ए ए बिलोंग्स टू आर क्या हो जाएगा इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है ठीक है ना ये रिफ्लेक्सिव है इसके बाद अगर हम ये कहें कि ए बी अगर कोई ए में से बी घटाने के बाद देखो यहाँ ए में से बी घटाने के बाद अगर कोई सम संख्या आ रही है तो बी में से ए घटाने के बाद भी तो सम संख्या ही आएगी तो क्योंकि तो वन थ्री फाइव देखो वन थ्री फाइव को अगर हम लेते हैं वन थ्री फाइव में अगर देखो वन में से थ्री घटाओ थ्री में से फाइव घटाओ या फाइव में से थ्री घटाओ कोई से में से कोई सा भी घटाओ ये हमेशा इवन नंबर आएगा सम संख्या आएगी ठीक है ना यानी कि वन थ्री वन थ्री भी आर का एलिमेंट है ठीक है आर आर में कैसे एलिमेंट ले आते हैं जो घटाने पर इवन नंबर बचते हो तो वन थ्री भी आर का एलिमेंट है या थ्री फाइव कोई सा भी ले लें इसमें से हम कोई सा भी लें वो सब आर के एलिमेंट आ रहे हैं आर में आते हैं जो घटाने पर हमें इवन नंबर दें अच्छा वन थ्री इसका एलिमेंट है थ्री फाइव या वन फाइव सारे इसके एलिमेंट आ रहे हैं ऐसी अगर हम टू फोर भी दिया इसने अलग से करके टू फोर टू में से फोर को माइनस करें या फोर में से टू को माइनस करें वो भी इवन नंबर आ रहा है तो ये कह रहा है कि वन थ्री फाइव R का एलिमेंट आ रहे हैं R के अंदर सबसेट है इसका और टू फोर भी इसका आप सबसेट है लेकिन